फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली करना है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है, ठीक है। गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप को भी अनइंस्टॉल कर देना है, इससे ही फोन का स्टोरेज खाली होता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी ओपन करता हूँ। इसमें देखिए सबसे ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर है, इसे टैप करना है, आपका ये पेज आता है। इसमें नीचे बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे ऑफ का बटन दिखाई देगा, या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग इसी तरीके से बंद रखनी है, ठीक है। अब देखिए अगले काम करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।